पॉइंटर सही है ना, मैट्रिक्स थे है या शायद मैट्रिक्स भी होगी सी अपनी। मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ n ਰੋ ਤੇ n ਕਾਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਣਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਈਟਮ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀ ਬਾਇੰਡ है ना, ते कुछ सीगा एक्सेस मोर देन वन रो ये तो होती सी, एक्सेस मोर देन वन कॉलम ये भी हो गया सी, आएगा ऐड रो एंड कॉलम। अगर अपन नु कॉलम या फिर रो ऐड करनी हो तो अपन नु सी बाइंड नाम दे फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, किमें यूज करांगे, इतने देखो मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स के अंदर आ वैल्यू पाती तो कहता रो आ एन बनानी है, रो थ्री बनानी है, एन कॉलम बनाना। ठीक है, तीन रो बनानी है, तीन कॉलम बनाना। फिर उस तो बाद इतने एक न्यू वेरिएबल असाइन किया तो उस कहता सी बाइंड। सी बाइंड का मतलब है कि कॉलम बाइंड हो जाए, जुड़ जाए कि दिस मैट्रिक्स के नाल, दिस मैट्रिक्स के नाल जुड़ जाए तो फिर वो अंदर वैक्टर के अंदर आ वैल्यू पाती। ठीक है, अगर अपन को कॉलम जोड़ना हो तो आप इदा कुछ यूज करा, जिमें इतने पहला मैं दिस मैट्रिक्स को प्रिंट करती हूँ, दिस लिखा इतने मैं लिखता मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स लिख के अगर इन हूँ प्रिंट करोगे तुम तो फिर अपन इन्ने का रिजल्ट आऊ। देखो आ देखो ऊपर वाले का इन्ने का रिजल्ट आया, अपने को किन्ने कॉलम आ, फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड। हुण इहदे विच आ फोर्थ वाला कॉलम बाद च जोड़े गया, जोड़न लई की कीता इन्होंने न्यू मैट्रिक्स नाम का एक वेरीएबल बना लिया, वह वेरीएबल के अंदर वैल्यू कि असाइन करती है, इतने लिखा सी बाइंड नेम का फंक्शन लिखा गया, तो कि अंदर जोड़ना वा इतने फिर वैल्यू वेरीएबल का नेम लिखा गया, मैट्रिक्स का नेम लिखा गया, जिम्मे आ मैट्रिक्स के अंदर अपन जोड़ना। उस तो बाद फिर वो अंदर वैल्यू असाइन करती, मतलब सी बाइंड का ब्रैकेट इतों स्टार्ट होके इतने जाके बंद हो गया। तो फिर उस तो बाद सी बाइंड के अंदर अपने दिता की दो वैल्यू आप दे सकते हैं, सी बाइंड के अंदर सब तो पहला देवे कि अंदर जोड़ना वा, फिर कॉमा लगा के वो वैल्यू की है। ठीक है, जिमें आही चीज़ अगर अपने इधर करनी हो तो लेट ही कई बार ओपन होंगे वा, ये आप कर लेते हैं, चलो जो ये ओपन हो जाता फिर ये अंदर आप करते हैं। आ समझता आ गया ना, इदा ही अगर रो जोड़नी हो, देखो अगर मैं रो जोड़नी हो तो मैं शायद आर बाइंड पा दूंगी, आर का मतलब होंगे रो जोड़नी। ठीक है, आर मैं पा दूंगी, हम आर पा के जब मैं क्लिक करूंगी तो इधर जुड़ना वा, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी जो भी है। ठीक है, रन करूंगी तो थले आऊगा, रो जुड़नी है ना कि कॉलम जोड़नी, आर बाइंड का मतलब होंगे रो जोड़ना वा, सी बाइंड का मतलब होंगे कॉलम बाइंड का। क्लियर है, ठीक है, इदा जुड़ सकते, फिर इतने आ जाओ थले आ जाओ, कहता दी सेल इन दी न्यू कॉलम मस्ट हैव दी सेम लेंथ एज दी एग्जिस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, कहता जेड़ा भी चीज़ तुसी जोड़ना वा ना उनू ए ध्यान रखियो भी आ चीज़ बिल्कुल सेम हो, मतलब कॉलम की गिनती दे देखो कि 1 2 3, तो इधर थ्री वैल्यू ही देनी है, इदा ना हो इतने थ्री कॉलम ने तो तुसी दो ही वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, जो भी तुसी रो जोड़ना या कॉलम जोड़ना तो यह चीज चेक कर लियो भी ओदे विच अगर तुसी रो जोड़ रहे हो फिर तो चेक कर लियो भी कॉलम किन्ने आ जी, उन्नी ही वैल्यू असाइन करनी है, फर्स्ट कॉलम सैकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। अगर तुसी कॉलम जोड़ रहे हो तो कॉलम दे विच देख लियो भी रो की किन्नी वैल्यू देनी है, तो फर्स्ट वैल्यू सैकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू आप पता, क्या यह चीज ध्यान रखते हुए इन जोड़ना। हाँ, दो भी हो सकते जिम्मे अगर आप दो जोड़ना हो तो इतने आप बना लवेंगे, इतने मैं लिखूंगी न्यू वन। ठीक है, मैट्रिक्स या मैं चलो वेरिएबल का नेम ही पाता, उस तो बाद मैं हाइफन लगाता, अलग लगाना पैना भाई, यस अलग अलग लगा के फिर अपन करना पैना। वही सेम चीज प्रिंट करवाई हुई है, देखो आर बाइंड करके दिखाता, अपन ने आर बाइंड करके देख लिया, रिमूव रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो नो रिमूव करना हो तो की तरीका है वा, देखो इतने तरीका की है, दिस मैट्रिक्स लिखा वो अंदर कहता दिस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कुछ देता -C1 ते -C1 प्लस, इतने -C1 दिता, इतने भी -C1 दिता, ये मैं लगता रो होगी, ये मैं लगता कॉलम होना वा,
रिमूव द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, इथे ऊपर पढ़ो, नेम यूज द लगाना है। सी वेक्टर फंक्शन टू रिमूव रो एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, आ फंक्शन का यूज करना वो अपन रो एंड कॉलम रिमूव करना। नेम होगा ना, दोनों नेम दे देना। एक समझते हैं, जिमें पहला इथे आप प्रिंट करवा लिए, मैं इथे लिख दी हूं कि दिस मैट्रिक्स लिखा भी नहीं जाना, वेट लिखा जाएगा। रन को पहले आप देख लेने हैं भी कितना अपने को हैगा वो रो एंड कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਸ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂਗੋ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਲਿਖਿਆ 1 ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ 1 ਲਿਖਿਆ। अगर मैं इतने इतना ही लिख दी मैं रिमूव करन लगी हुई। ठीक है, कंट्रोल जेड करो, तो लेट काम कर रही है, मैं ना पहले रिमूव करके देखती हूँ काम की कर रही है, रन कर रही है। हम देखो कि आया, ऊपर भी पूरा ही आ गया, थल्ले भी पूरा ही आ गया, मतलब उन्हें रिमूव नहीं किया। ਆਈਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਫਸਟ ਰੋ ਐਂਡ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫਸਟ ਰੋ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫਸਟ ਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਤੇ ਆ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਦੋ ਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਕਾਲਮ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀ ਹਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਬਚਿਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਆ ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂਗੋ ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। समझ लग गई, मतलब आ फंक्शन दे यूज करना पड़ा। ये मैट्रिक्स नहीं हैगा इनु, सॉरी ये वेक्टर नहीं हैगा इनु, तुसी ये ना समझो भी वेक्टर है, ये फंक्शन है, ते फंक्शन नु यूज करन दा तरीका आही है भी माइनस लगाना पड़ा, इत्ता देना पड़ा। माइनस दा मतलब हैगा लेस कर रहे हो, तुसी घटा रहे हो। 1 ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1 ਦੇ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਣਾ ਨਾ, 1 ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 1 2 3 4, ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ 1 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਸਰਕਲ ਬਣਾਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ -1 ਜਾਂ -2 ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ।
ਜੋ ਵੀ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਮੂਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਵਨ ਮੈਮ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਐਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਕਿਨ ਕੋਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अगर आप दोनों पर क्योंकि है ही नहीं ना उधर इंडेक्स नंबर, है ही नहीं इंडेक्स नंबर, होगा ता ही आना वा। मतलब इतने फर्स्ट रो नो डिलीट करने की गल की गई थी, सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो आ डिलीट हो जानी है ते सेकंड कॉलम आ डिलीट हो जाना। अपने को रहना कि आप बनाना ते चेरी रह जानी, बनाना ते चेरी अपने को। मैं इतने दोनों तरफ माइनस दे के देख रही हूं की काम करता है। प्रैक्टिकली करना अपन दोनों तरफ माइनस देके देख लवेंगे की काम कर रहे। ओनली ऑरेंज दिखा रहा, उन्होंने की किया माइनस वन, माइनस वन मतलब चलो रो फिनिश होगी, सेकंड कॉलम आ गया, रो ये फिनिश हो गया, ऑरेंज नहीं आता कॉलम भी लाना चाहिए वाला चाहिए सी। वही कह रही है भी पूरा ही काम कर रहा है, पूरे माइनस रिमूव करके देखो दोनों सेम। पाइथन है तो भी इजी है था, इजी है काम करता, सेम ही है, चाहे आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो। आगे चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट, आइटम एग्जिस्ट करता कि नहीं, ये अपा भी कर चुके सी के पीछे वेक्टर के अंदर भी सेम है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर पता करने हो तो डिम नेम दे फंक्शन का यूज करते हैं। डिम लगाया ਤੇ ਡਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਦੋ ਰੋ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਕਾਲਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਿਮ ਨੇਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਮ ਨੇਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਆ ਲੈਂਥ 4 ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 2 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ 4 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, लूप के अंदर कितना यूज करेंगे, यू कैन लूप तो ए मैट्रिक्स यूजिंग ए फॉर लूप, द लूप विल स्टार्ट एट द फर्स्ट रो मूविंग राइट। ठीक है, जिवें आ लूप का यूज किया तो मैट्रिक्स ही बना लिया, वो अंदर कहता रो सॉरी फॉर रो के अंदर कहता रो वेरिएबल के अंदर इन वैल्यू कि आए एक तो लेके एन रो की, एन रो का मतलब है एक तो लेके एन रो कि अपने को टू मतलब आर रोज दे अंदर किन्नी वैल्यू आ रही है, एक तो लेके दो तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर आ एक लूप लगाया, उस लूप दे अंदर एक लूप होर लगाया। हुण सब तो पहला आ वाला पूरा लूप चलूगा, एदे एक लूप नाल मतलब जो पहली बार ये चलूगा ना, ये जो ये अंदर आऊगा तो यह पूरा लूप पहला चलना वा, फिर उस तो बाद जो सैकेंड बारी आऊगा फिर यह पूरा लूप चलना वा। ठीक है, जिवें इहदे विच देखो कॉलम दी विन कॉलम दा पाया हुआ वा, कॉलम नाम दा वेरिएबल लिता उहदे अंदर कहता इन एन रो एन कॉल दी वैल्यू अपने कोल किन्नी है 2। ठीक है, ते इत्थे हैगा दिस मैट्रिक्स इसलिए दिता गया क्योंकि दिस मैट्रिक्स दे इत्थे वैल्यू आ जाए। ठीक है, उस तों बाद इत्थे प्रिंट करवाया हुआ, प्रिंट दे अंदर आपां ने देता दिस मैट्रिक्स दे अंदर रोज एंड कॉलम प्रिंट करवाने आ, ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਰੋ, ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਰੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ,
रोज के अंदर आ एक वैल्यू आ गई, मतलब एक वैल्यू का मतलब आ रोज आ गई, ठीक है। जो रोज आ गई तो अंदर वाले कॉलम से गया, तो फिर कॉलम चलिया होना वा, फस्ट वाला कॉलम चलिया, फस्ट वाला जो कॉलम चलिया तो फस्ट कॉलम की वैल्यू आ सी, तो सैकेंड कॉलम की वैल्यू आ सी, तो आ वैल्यू आ गई, तो आ वैल्यू आ गई, इतने देखो दोनों वैल्यू प्रिंट हुई। हम कॉलम की दो ही वैल्यू सी, तो दो दो चीजा प्रिंट हुई ने, कॉलम की दो ही वैल्यू सी, तो इतने देखो दो चीजा प्रिंट हुई ने। फिर उस तो बाद मैं तुम्हें कहा कि आ जो फॉर लूप है पूरी तरीके एग्जीक्यूट होगा, मतलब उपर वाला तो एक बार चलूगा, बट अंदर वाला जिन्हें जद तक खत्म नहीं होंगे है तद तक इन्हें चली जाना वा, मतलब कॉलम दो सीगे तो एक बार तो हो चुके, एक बार तो उन्हें प्रिंट कर लिया, हूँ दोबारा भी प्रिंट करूंगा, हूँ दोबारा प्रिंट करने लिए उन्हें की करना, फिर उपर जाना रो कोल, रो कोल जो जाऊगा तो हूँ इतने रो की वैल्यू होगी टू, तो दूजे वाले रो च आ गया, आ वाले रो च आ गया, इतने तक आ वाले लूप न जो दूजी बार वो चलिया लूप तो इतने आ गया, इतने पहुंच गया। आ देखो इतने एन रो लिखा, एन रो के अंदर वैल्यू की है दो, ठीक है, तो इतने दो आ गया। उस तो बाद इतने की लिखा दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इसलिए लिखा कि दिस मैट्रिक्स वाली सारी वैल्यू आ जाए, आ वाली जी सारी वैल्यू है ना, आ वाली सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। उस तो बाद इतने भी देखो कॉलम, हम जो दूजी बार चलूगा तो दूजे नंबर वाले रो से आ गया, इतने आ गया, हम दूजे नंबर वाले रो से पहले कॉलम की वैल्यू बनाना वा, तो दूजे कॉलम की वैल्यू ऑरेंज आ, तो इन्होंने दोनों प्रिंट करता। अच्छा आ जी दोनों चीजा प्रिंट हो रही ने, आ इस गल तो प्रिंट हो रही ने, आ वाले फॉर तो प्रिंट हो रही, समझ आई गल, इदा कुछ प्रिंट करवाना हो तो आप इदा कर सकते हैं, समझ आ गया। थले आ जाओ, कंबाइन टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स नू कंबाइन करना, आ मैट्रिक्स वन बनाया, मैट्रिक्स टू बनाया, उस तो बाद इतने देखो की लिखा, मैट्रिक्स कंबाइन नेम का एक वेरीएबल बना लिया, वो अंदर आर बाइंड लिखता, आर बाइंड का मतलब है रो बाइंड करनी है, मतलब आ चीज पहला बनाता वो अंदर रो वाइज एड करना, ठीक है। जिम्मे इतने आजगा एप्पल बनाना, फिर चैरी ग्रैप्स, फिर आजगा ऑरेंज मैंगो, फिर आजगा पाइन एप्पल से वाटरमेलन, इदा आंसर अपन मिलना चाहिए। तो अगर आप कॉलम कहे तो फिर आजगा एप्पल बनाना, चैरी ग्रैप्स, तो फिर आजगा ऑरेंज, इधर वाले साइड आजगा ऑरेंज मैंगो, फिर पाइन एप्पल से वाटरमेलन, इन आप रन करके देखते हैं, देखो ये आंसर अपन की मिलिया। आ तो उपर वाली चीज आ, ये दसन की लड़ ही नहीं, आ वाली जी चीज आ थले वाली चीज आ, इदा अपन मिल रहा है, हम थले अपन इन्होंने जोड़िया हुआ वा, पहले रो दे जोड़िया हुआ, इतने देखो की लिखा मैट्रिक्स कंबाइंड, ए वेरीएबल लिखता वो अंदर कहता आर बाइंड, आर बाइंड का मतलब है मैट्रिक्स वन नू मैट्रिक्स टू के नाल रो दे जोड़ दिया, तो देखो कि जोड़िया हुआ वा, चैरी एप्पल लिखिया, चैरी लिखिया, ग्रै बनाना लिखिया, ग्रैप्स लिखिया, एप्पल आ गया, चैरी आ गया, ग्रैप्स आ गया, बनाना आ गया, फिर इतने रो वाइज देखो नाल ही रो वाइज जोड़ता आ, फिर आ मतलब नाल नाल जोड़ता उन्हें, ठीक है, रो वाइज अपन ने किया ना। तो अगर आप कहने कॉलम वाइज, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये टू रो है ना, यहाँ पे भी दो रो है, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ, यहाँ पे लगाया हुआ कॉलम, तो कॉलम के लिए दो मतलब रो सेम हो, तो यहाँ पे देखो रो सेम है, यहाँ पे दो दो है यहाँ पे, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे, इसको अभी मैंने यहाँ पे कमेंट पास किया, अगर हम इसको लगाएंगे तो उसके लिए ये वाला गिनती और ये वाला गिनती सेम, ये हाँ तब ये काम करेगा। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया भी नहीं है, ये तो वहां से पढ़ के हमें पता लग गया था कैसे करना है, बस इतना दे दिया, अगेन यू कैन यूज द आर बाइंड द सी बाइंड फंक्शन टू कंबाइन टू आर मोर मैट्रिक्स, ठीक है, बस उसके बाद चैप्टर फिनिश है, एरे पे आ जाते हैं। एरे अगर प्रिंट करना है तो देखो दिस एरे नाम का वेरिएबल लिया, वैल्यू असाइन की, वेक्टर बना दिया, वेक्टर के अंदर 1 से लेके 24 तक प्रिंट करवा दिया, दिस एरे बोलोगे तो प्रिंट हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, ये हो गया हमारा एरे, ठीक है। एरे क्या होता है ना, सेम टाइप का डाटा कलेक्शन होता है, सेम टाइप का डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप को कहीं पे मूवी देखने जाना है, तो उसमें से एक पर्सन क्या करेगा, टिकट ले आएगा। अब जब टिकट लेके आएगा तो सभी को साथ साथ में सीटें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को 50 नंबर वाली सीट मिले, किसी को 1 नंबर वाली मिले, किसी को 10 नंबर वाली। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लेने जा रहे हैं तो एक सीरियल वाइज ही हमें मिलेगा, तो जब भी हम डाटा को एक सीरियल वाइज एक साथ ही स्टोर करते हैं उसको हम बोल देते हैं एरे, ठीक है। सेम डाटा का कलेक्शन होता है, सेम टाइप के डाटा का कलेक्शन होता है, उसे हम बोल देते हैं एरे। मतलब इन लोगों को मेमोरी के अंदर जो जगह मिली होगी सेम मिली होगी, अगर इसका एड्रेस होगा 1 तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा,
ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं एरे। उसके बाद में देखो एरे अगर आप नॉर्मली प्रिंट करोगे तो ऐसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे एक इन्होंने लिख लिया मल्टी एरे, मल्टी एरे के अंदर यहाँ पे लिखा एरे, फिर उसके अंदर लिखा दिस एरे का मतलब ये वाली वैल्यू आ गई, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया डिम। डिम का काम क्या था कि वो हमें गिनती करके बता देते था ना कि कितने हमारे पास बने हुए, कितने रो एंड कॉलम बने हुए हैं, है ना, या कितने रो एंड कॉलम हम बना सकते हैं। डिम के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया सी वेक्टर, यहाँ पे बोला सी थ्री फोर, फोर का मतलब है रो फोर बनानी है, यहाँ पे लिख दिया थ्री, थ्री का मतलब कॉलम थ्री बनाना है, यहाँ पे टू का मतलब क्या है, यहाँ पे आते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो यहाँ पे बताया इन दिस एग्जाम्पल एबव वी क्रिएट एन एरे विद द वैल्यू ऑफ 1 to 4, ठीक है। हाउ डज डिम लगाया वर्क, द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज द ब्रैकेट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रो एंड कॉलम, कहता आ जड़ी चीज है कि स्पेसिफाई करता की चीज रो एंड कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे आ जाओगे द लास्ट नंबर इन द ब्रैकेट स्पेसिफाई हाउ मेनी डायमेंशन वी वांट, अच्छा ये बता रहा है कि डायमेंशन कितने बने हुए हैं। एरे कैन ओनली हैव वन डाटा टाइप, एरे का एक ही डाटा टाइप होता है, ठीक है, एक ही टाइप के डाटा टाइप बनेंगे, मतलब जो ये दो नंबर बता रहा है ना डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब है कि आप 1D एरे बना रहे हो कि 2D एरे बना रहे हो कि 3D एरे बना रहे हो, ठीक है। नीचे आ जाओगे, टाइम भी हो गया, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, मैं सोचती थी कि आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਐਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਇਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਏਜ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਟਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਤਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਡੋਟ ਫਰੇਮ, ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਤੇ ਹੋ nlci.co.in/ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਬ ਓਪਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਓਨਲੀ nlci.co.in ਲਿਖਤੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਤੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਲਿਕ ਕਰੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪਲੋਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।